पला टली, अब फाइनली घर में शांति मिलेगी। दामिनी जी इतनी आसानी से तो घर से नहीं जाएंगी। आशा करते हैं जो मोहन जी कह रहे हैं वो सच हो। माँ आज दो काम कर लिए मैंने एक साथ, अतीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए और भविष्य को पूरी तरह अपनाने के लिए ना तैयार हो चुका हूं मैं। बोल दो मोहन राधा को कि तुम उससे प्यार करते हो, कर लो अपने प्यार का इजहार। राधा तुम जवाब चाहती थी ना? तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिलेगा। पक्का ना? तीज है और हमारे रिश्ते की शुरुआत कल ही हुई थी ना। मोहन नाम है ना तुम्हारे दूल्हे का? राधा चोर नहीं है। बस कल का इंतजार कर लो, कल तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मोहन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। प्यार ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। जिंदगी का तो सत्यानाश हो गया। आज तक तिनका जोड़कर कितनी मेहनत से हमने इस घर में आग लगाने का काम किया था, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बिटिया, सपना देखा था हमने कि तुम्हारी शादी मोहन से होगी और तुम इस घर की महारानी बनोगी, और हम महारानी की मां। सब खत्म हो गया। वो ढाई फुट चुड़ैल की जिंदगी में अब उजाला आएगा और हमारी जिंदगी का जो बल्ब है ना उसका तो फ्यूज ही उड़ गया। उसकी जिंदगी रंगीन हो जाएगी और हमारी हमारी बेरंग। कल तीज के त्योहार के साथ उसकी जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं होगी और हम दोनों दर दर की ठोकरें खाएंगे। सब खत्म, सब खत्म। नहीं मम्मा, कल के बाद राधा के जिंदगी में बस एक ही रंग होगा, सफेद। मैं उसकी जिंदगी से सारे रंग छेड़ लूंगी। कल तीज का त्योहार है ना, सुहाग का त्योहार।
और इसी त्योहार में राधा पर विधवाओं का रंग सजेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी से उसका मोहन छिन जाएगा। क्या क्या करने वाली है तू? कहीं मोहन को? ना गुनगुन के लिए राधा से अच्छी माँ हो सकती है और ना ही इस घर के लिए राधा से अच्छी कोई बहू हो सकती है। इसलिए जाओ मोहन, भुला दो अपनी पूरी पुरानी जिंदगी के दुख को, उस कड़वाहट को। भुला दो मुझे। और अब शुरू करो अपनी नई जिंदगी को, अपने प्यार को स्वीकार कर लो, अपनी राधा को। आज मैं तुम्हें हमारे बीच के हर बंधन से मुक्त करती हूँ। काश कोई तरीका होता जिससे मैं तुम्हारा जवाब जान पाता। मैं सोचा इस बारे में कि हम पति पत्नी बनने से पहले गुनगुन के माँ बाप बन गए। नहीं तो क्या हुआ? ये रिश्ता भी तो गुनगुन के वजह से ही जुड़ा था ना, और अगर गुनगुन नहीं होती तो हमारा ये रिश्ता नहीं होता। से गुनगुन ने बेटी होने का फर्ज तो निभा लिया। नहीं, अब मुझे पति होने का फर्ज निभाना चाहिए। राधा। मोहन जी। राधा मैं। मोहन जी। हाँ राधा मैं तुम्हें। जी मोहन जी आप हमें। राधा मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सो जाओ और मुझे भी सोने दो। है? क्या है? कल तीज है ना, कल तुम्हें तो सुबह जल्दी उठना होगा, पूजा पाठ करनी होगी। गुनगुन बिसार रहती तो लेट सोती, और फिर सुबह उठकर अगर कुछ नहीं खाती तो फिर भूखे पेट दिन भर मेरा सर खाती। तुम सो जाओ ना जाकर। से मारा मुझे।
तुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। कल तक का इंतजार कर लो, कल ना मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या एहसास है। फिर उसके बाद हम इस रिश्ते को आगे ले जाएंगे। राधा मोहन ना हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। चालाक है ये माँ। अच्छा और ये सब कुछ हमारे नाक के नीचे हो रहा था और हमें पता ही नहीं। आपको नहीं पता? ओए राधा। राधा अब देखो पीछे ही नहीं मुड़ेगी। गुनगुन ये लेटर्स के बारे में मैं किसे बताऊं? दादू दादू नहीं गुनगुन गुनगुन दादू गुनगुन गुनगुन मेरी बात सुनो, पहले राधा से बात करनी है तुम। अरे गुड मॉर्निंग बिटिया, उठ गई मेरी बच्ची? दादू मुझे आपसे ये बात क्या? नहीं नहीं गुनगुन ये क्या
राधा एक दिन बिजी क्या हो गई, हमारी बिटिया ने अभी तक नहाया नहीं है। पर दादू मेरी बात तो सुन। कोई बात नहीं सुननी, देखो घर में कितना बड़ा त्योहार है और अभी तक आपने नहाया नहीं। कोई बात नहीं सुननी बेटा, पहले जाओ फटाफट नहा के आओ, तैयार हो जाओ, फिर जो बात सुनाना है सुनाओ। मैं अभी आया, ठीक है बेटा। दादू अगर ये लेटर में जो लिखा है वो सच है तो मुझे डर लग रहा है कि ये जो राधा ने मेरी मम्मा के साथ किया था कहीं वो मेरे पापा के साथ भी ना करे। आप कभी भी ऐसे धड़ाम से आ जाते हैं राधे राधे बोलते हुए, क्या है राधे 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 राधे? अब इस चीज की आदत डाल लो, धड़ाम से आ जाऊंगा मैं कभी भी कहीं भी कैसे भी। कैसे भी मतलब? मतलब क्या? भूख लगी है? अब लगी तो है पर बिल्कुल भी नहीं। मोहन जी आप खा लीजिए, आपको व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने रखा है ना। अरे इसलिए तो नहीं खा रहा हूँ, क्या है कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रिस्क? हाँ? कैसा रिस्क? अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो। छोड़कर हमको? ऐसा तो कभी नहीं हो रहा है मोहन जी, हम बोल रहे हैं आपको। लीजिए खाइए। अरे इसे बाजू कोई नहीं अब। तुम अपना व्रत तोड़ना चाहोगी? ये गुनगुन को क्या हुआ है आज? आज इतने अलग बर्ताव क्यों कर रही हैं? अलग अलग खड़ी हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमारी तो। ओए, आज ना, आज सिर्फ मेरा दिन है। मेरा तुम्हारा, तुम्हारा मेरा, मेरा तुम्हारा। ओ शांत हो जी, क्या पहले भी क्या हमारा हमारा हम कर रहे हैं? आज हमारा नहीं, आज गुनगुन का दिन है। जा रहे उनके पास, पता नहीं क्या हो गया गुनगुन। ठीक है तो हम मक्खी भगा देते हैं, क्या मिठाई में बैठते हैं ना बहुत सारा मक्खी। गुनगुन, गुनगुन क्या हुआ, आप ऐसे हमसे क्यों भाग रही हैं? राधा तुम्हें अभी गुनगुन से बात करनी होगी। अरे राधा बेटा, राधा बेटा। पापा? गुनगुन। राधा बेटा। अरे अरे कैसे हैं मोहन? राधे राधे। आइए आइए, खुश रहें खुश रहें। गुनगुन हम अब राधे राधे भाभी जी, राधे राधे बेटा, खुश रहो खुश रहो। राधे राधे। अरे मेरा बच्चा कैसे हो? ठीक है आप कैसे? खुश हो बेटा खुश हो। राधा बिटिया ये तुम्हारा शगुन।
गुनगुन कहाँ गई? गुनगुन तुम अपने रामा से क्यों डर रही हो? देखो राधा ने कुछ नहीं किया, जाओ जाकर उससे बात कर लो। गुनगुन बेटा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? हाँ राहुल, ये इन लेटर्स को लेकर बहुत परेशान है, तुम ही इन्हें पढ़ो और कहो ना गुनगुन से कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। चाचू। हाँ हाँ बोलो, चाचू को बताओ क्या हुआ। चाचू चाचू ये लेटर्स। नानी, माँ, क्या हुआ गुनगुन बेटा, आप रो क्यों रहे हो? नानी आप मेरे साथ चलो। गुनगुन कहाँ लेके जा रही हो? का फेवरेट है, बहुत पसंद है उसे।
कर रही हैं आप? आपकी पहली पत्नी तुलसी के खून के इल्जाम में आपकी दूसरी पत्नी राधा को अरेस्ट करते हैं हम। देखिए देखिए मैडम, हमारी बहू किसी का खून नहीं कर सकती। वो मोहन, ये तुलसी, ये क्या कह रही है आप? ये तो उसी से जाके पूछिए जिसने ये कंप्लेन की है। कितनी गिर गई हो तुम दामिनी, एक बच्चे का इस्तेमाल कर रही हो अपने गंदे खेल के लिए। राधा बेकसूर है, वो किसी की जान नहीं ले सकती। कुछ करो बेटा, कुछ करो। मोहन प्लीज जाओ ना, राधा को बचाओ ना। मोहन भैया बोलिए कुछ तो, और क्या लिखा है इस लेटर में बोलो ना बेटा। मोहन बेटा रोको, राधा को वापस ले आओ। मोहन कुछ तो बोलो बेटा। मोहन, मोहन, मोहन,
भैया। मोहन भैया, मोहन कहाँ जा रहे हो तुम? तुम प्लीज माँ की बात सुनो, राधा को बचाओ, राधा ने कुछ नहीं किया है। अब आएगा मजा। तुम सब लोग कितना भी समझा लो, अब मोहन राधा के बारे में एग्जैक्टली वही सोचेगा जो मैं चाहूंगी। वेल डन दामिनी, गुनगुन को हथियार बनाकर क्या खेल खेला है तुमने। हम है ना, हम कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो छोड़कर हमको ऐसा तो कभी नहीं हो रहा है मोहन जी, हम बोल रहे हैं आपको। सचमुच मर जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। माँ ये सब कुछ झूठ है, राधा ऐसी नहीं, आप जानती है ना राधा को। अजीत भैया देखिए ना, ये गलत लिखा है राधा के बारे में, मैंने नहीं लिखा, ये सब कुछ झूठ है। आज मैंने राधा को घर के बाहर मशाल के साथ देखा था। गुनगुन, वो तुम्हें और मुझे चोट पहुंचाना चाहती है। मुझे अपना कोई डर नहीं, पर तुम्हारे लिए डर लग रहा है। बस तुम्हारे पापा जल्दी से आकर तुम्हें यहां से ले जाए। मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी खत होगा और अगर मेरी मौत के बाद ये तुम्हें मिले तो समझ जाना कि मेरी हत्या राधा ने की है। तो बिलीव करो, तुम जानती हो ना राधा को, वो तुम्हारी बहन जैसे की राधा ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग प्लीज इन लेटर्स के एक भी शब्द पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये मैंने नहीं लिखा है। मामा प्लीज संभालिए खुद को। हमारे बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे। ये जरूर राधा को किसी ने फंसाया हुआ है। देखिए, देख लिया आप सबने हम राधा के बारे में क्या सोचते थे और वो क्या निकली।
इतने सालों से हम यही मानते आए हैं कि तुलसी ने सुइसाइड किया था, लेकिन अब पता चला कि राधा ने उसका मर्डर किया। चुप करो तुम। दामिनी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? हमारी राधा ऐसा कभी नहीं कर सकती, ये सब झूठ है। अच्छा, ये जो सारी चिट्ठियां तुलसी खुद अपने हाथों से लिख कर गई है वो भी झूठी है? आपकी पोती कातिल है। दामिनी, चुप करो तुम। तुम जानते हो ये सब कुछ झूठ है और ये सब मैंने नहीं लिखा है, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है ये सब तुम्हारी चाल है। लेकिन बस मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वरना आज मैं तुम्हें छोड़ती नहीं दामिनी। मैं तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि राधा के छोटे दिमाग में शुरू से इतना बड़ा प्लान चल रहा था। मोहन को पाने के लिए उसने बेचारे तुलसी को मार दिया। जब वो इस घर में आई तब भी राधा मोहन से प्यार करती थी, बल्कि उससे भी बहुत पहले से राधा मोहन से प्यार करती थी। राधा तो बचपन से मोहन से प्यार करती थी। जब से मोहन ने उसे भगवत गीता दी थी तब से राधा मोहन से प्यार करती थी। और प्यार ही नहीं, राधा तो मोहन की पूजा करती थी। पर जितना सच्चा राधा का प्रेम है उतनी ही सच्ची ये बात है कि राधा किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। राधा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। इसीलिए आप भी ये बात समझ लीजिए कि राधा की कोई गलती नहीं है। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए अपना ये झूठ, अपना ये प्रपंच। अब सब समझ में आ रहा है हमें, राधा का इस घर में आना रहना, सबको अपना बनाना, हम सब की मदद करना, ये सब इत्तेफाक नहीं है। सोची समझी साजिश थी। वरना कोई अपनी जवान बेटी को अकेले दूसरे शहर अनजानों के घर पराए मर्दों वाले घर में क्यों भेजेगा?